हाय गाइस, इस वीडियो में मैंने केमिस्ट्री का एनालिसिस किया है। केमिस्ट्री पेपर में से कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चंस को उठाए हैं जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे। तो इस वीडियो में पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया था और कितना इजी था। तो कुछ कुछ क्वेश्चन उठाए हैं इस वीडियो में, स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सारे में हम लोग को नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, जो कि सबसे सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको CLF3 का स्ट्रक्चर बना के बताना था, क्लोरीन पे कितने लोन पेयर है। तो ये वेस्पर थ्योरी से बहुत आसानी से सॉल्व होता है। क्लोरीन में वैसे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन शेयर कर लेते हैं और 4 लोन पेयर पेयर बचते हैं इलेक्ट्रॉन के, जो कि 2 लोन पेयर के फॉर्म में बच जाते हैं। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग क्रॉस लिगेंड और नेटवर्क पॉलीमर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हमको पूछा था क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर में। तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी क्लास 12th पार्ट 2nd पेज नंबर 426 को रेफर करेंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम आल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन बिकाउस। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, बिल्कुल लाइन टू लाइन पुट की गई है। आप पेज नंबर 395 प्रीफर करो, क्लास 12 का बुक लेना, पार्ट 2nd वाला एमाइन चैप्टर है, 395 पेज नंबर पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो ये भी सीधा सीधा एनसीईआरटी से लिया हुआ है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 410 है, क्लास 12 का 2nd पार्ट है, तो वहाँ से आप लोग रिफर कर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म अ ज्यूटर आयन। तो ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है, एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है जिसमें अमीनो एसिड्स के फॉर्म दिए हैं एक टेबल में, जो कि अमीनो एसिड्स के जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वही ज्यूटर आयन बनाते हैं हमारे। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी में गिवन है, 12 क्लास का एनसीईआरटी है, पार्ट 2nd है, पेज नंबर 412। तो सीधा सीधा आप देख रहे हो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आए थे मैक्सिमम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। सो सेकंड ग्रुप में डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है, तो सीधा सा आपको देखना था कि कौन सा सबसे नीचे है वो सबसे कम होगा और सबसे ऊपर वाला एलिमेंट हाईली एसिडिक होगा। बहुत सिंपल था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp एंड sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखनी थी। मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा सॉल्यूशन दिया है कैसे हाइब्रिडाइजेशन आप देख सकते हो, या तो बहुत सिंपल है, सबने कर लिया हुआ सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर वाला लाइन होता है GOC में हम लोग पढ़ते हैं, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए था ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। सीधा सीधा लाइन में से छोटा सा पार्ट निकाल के यहाँ पे ऑप्शन में पुट कर दिया है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपको एक रिएक्शन दी थी जिसमें आपको कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व हुआ है वो बताना था। तो रिएक्शन सीधी रीमर टीमर है और आपको हर रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट सब कुछ पता होना चाहिए। सो इलेक्ट्रोफाइल फॉर रीमर टीमर इज डाइक्लोरोकार्बिन। बहुत सिंपल था क्वेश्चन यह वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड कीटोन एंड इवन अल्कोहल ड्यू टू। तो ये लाइन जो है सीधी सीधी एनसीईआरटी में यही लाइन दी है और इसका बिकाउस करके रीजन भी एनसीईआरटी में आगे की ओर दिया है। तो एनसीईआरटी रिफर कर सकते हो आप, क्लास 12 की पार्ट 2nd, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज करके दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड में, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन मैग्नेटिक मोमेंट। तो सिंपल सा मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है n(n+2) का होल अंडर रूट। तो अंडर रूट तो निकालना ही नहीं था क्योंकि सारी आपको ऑप्शन में अंडर रूट में ही दिया था। एन हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड होता है, मैंने क्रोमीन का निकाल के बताया है किस तरह से निकालते हैं, इसी तरह से आपको सारे के निकाल के मैच करना था। आप 3 निकालते कोई से भी इसमें से तो आपका ऑप्शन मैच कर जाता, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स दिया था जिसमें आपको आइसोमेरिज्म शो करना था कौन सी करती है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अपना आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसका आंसर है। अब क्लास 12 पेज नंबर 244
पार्ट फर्स्ट जो है क्लास 12 का, वहाँ से रिफर कर सकते हो। सिंपल सा यही का यही दिया हुआ है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट है कोगुलेटिंग पावर के ऊपर है क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज द कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है। तो ये भी सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, पेज नंबर 142 क्लास 12 पार्ट फर्स्ट से आप रिफर कर सकते हो। आप देख रहे हो सारे एनसीईआरटी से ही आते जा रहे हैं। नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किस में मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पर सिंपल सा होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर तो सबका सेम होगा, जिसका भी मैक्सिमम मोल होगा यहाँ पर उसका ही मैक्सिमम मॉलिक्यूल होंगे। तो मोल निकालना था सिंपल सा सब में आपको, इससे आप डिटेक्ट कर पाते राइट आंसर। तो मोल जिसका मैक्सिमम होगा उसका मैक्सिमम मॉलिक्यूल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल सा केमिकल काइनेटिक्स में जब आप इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हो वहीं पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट था अमोंग CH2, BH2, BH2 ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टरिस्ट। तो डाउन द ग्रुप आयनिक करेक्टर इंक्रीजेस अमोंग द हाइड्राइड्स। तो सिंपल सा आपको ये लॉजिक लगाना था और आपका आंसर आ जाता। तो सीधा एनसीईआरटी से ही था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन था, रिडॉक्स रिएक्शन से था, जिसमें आपको सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करना था, उनके रिएक्टेंट को कोफिशिएंट रिएक्टेंट जो ऑप्शन में दिए थे उनको पुट करना था। अगर आंसर नहीं आ रहा था तो एक एक करके भी आप ऑप्शन में से उठा उठा के उसको पुट करके बैलेंस करके चेक कर सकते थे, जो कि बहुत सिंपल था। तो ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हम लोग ने अभी तक 18 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमोंग द फॉलोइंग स्पीसीज विच हैव द हाईएस्ट बोन ऑर्डर। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सम निकालना था सब में, और एक ट्रिक दी है सिंपल सी, 12, 13, 14, 15, 16, 12 का 2 है, 13 का 2.5 है, फिर 14 का 3 है, मैक्सिमम 3 तक जाता है, उसके बाद फिर डिक्रीज होता है। तो इस तरह से आप लोग को अगर ट्रिक याद होगी उस टाइम पे, एग्जाम टाइम पे याद रही होगी, तो आपने बहुत आसानी से ये सोल्व कर लिया होगा, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा वन ऑर्डर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो उसमें पहला ही ऑप्शन आपको दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन लिखकर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही गलत लिखा है उसमें, जो कि बहुत सिंपल था, आपको पहला ही ऑप्शन पढ़ना था और डायरेक्ट ट्रिक कर देना था। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं आता होगा किसी को तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द 20 क्वेश्चंस, जो कि हार्डली 10 to 15 मिनट्स मान लीजिए, 15 मिनट्स में ये 20 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते केमिस्ट्री से, जो कि बहुत इजी थे। अभी मैंने इजी क्वेश्चंस उठाए हैं, उसको उसका एनालिसिस बताया कैसे एनसीईआरटी से डायरेक्ट आए थे। बाकी भी क्वेश्चन इजी थे, बस थोड़ा सा उसमें एप्लीकेशंस लग रहे थे। जैसे कि सॉल्युबिलिटी का है, तो मैंने आपको सॉल्युबिलिटी भी पढ़ाया था, वीडियो बताया था, तो वो बहुत आसान क्वेश्चन था। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 100+ आपको स्कोर करवा देते। फिर भी आई होप बहुत अच्छा स्कोर आया होगा।